सनम ना जा, तेरा बन के रहना है, तू रिश्ता निभा जा, बिन तेरे सब लगे है सोना सा, कुछ नहीं है पूरा सब अधूरा सा, ओ मेरी जाना, मैं हो गया दीवाना, बिन तेरे एक पल भी नहीं है बिताना, ओ मेरी जाना, मैं हो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मृणाल दत्त एंड वेलकम येट अगेन टू अनदर रोमांटिक एपिसोड ऑफ ये है आशिकी बागी स्पेशल। हमारी आज की कहानी दो नेबर्स के बारे में, जोजी और रिद्धि। अब जोजी एक लिबरल थॉट रखने वाला नॉन वेजिटेरियन क्रिश्चियन फैमिली का लड़का, वेयरएज रिद्धि एक टिपिकल वेजिटेरियन मारवाड़ी फैमिली की लड़की। अब इन दोनों की अपब्रिंगिंग बहुत अलग कल्चर्स में हुई, बट लव फाउंड द वे टू देयर हार्ट। लेकिन उसी प्यार को इनके घर वालों ने यू टर्न लिखा। इनके घर वाले अक्सर आपस में लड़ते, लेकिन बीच में पिस्ता कौन, हमारे बेचारे लवबर्ड्स। अब देखना यह है कि क्या ये अपने पेरेंट्स को मना पाते हैं, या इनके प्यार का भी होता है ट्रैजिक दी एंड। मुबारक हो आपको, बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अरे ऐसे कैसे लेके जाएंगे हमारे राधिका दीदी को, पहले ना जीजू को ये सारी मिठाइयाँ खानी होगी और सबकी तारीफ करनी पड़ेगी, उसके बाद ही अलाउ। भाई इसकी बात तो कोई टाल ही नहीं सकता। रिजन बाबू, हम बड़े किस्मत वाले हैं कि मारवाड़ी समाज के सबसे प्रतिष्ठित परिवार में हमारे बेटे का रिश्ता तय हुआ। मेरी तो यही कोशिश है कि मेरे बच्चे जो है वो अपने ही समाज में शादियाँ करें और इस समाज को आगे बढ़ाए। अब झूठ बोलूं तो धंधा डूबे मेरा। जी, आप अपने हमें ईमेल आईडी दे दीजिएगा। क्यों? ये फंक्शन की सारी पिक्चर्स आपको मेल कर दूंगा। अरे सोचिए मत, दे दीजिए। नहीं आप मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि राधिका दीदी है ना। राधिका जी को क्यों बीच में ला रही है, हम खड़े हैं ना सामने, हम ले लेंगे ना। कर हाँ दादा जी, आई आई, एक मिनट। चलो अच्छा हुआ, सब अच्छे से हो गया। इतनी अजीब बात आ रही है, लगता है कॉरिडोर से ही है। ये पता नहीं कितनी बदबू आ रही है। सत्यानाश, ये मांसाहारी लोग ना बाज नहीं आएंगे। फिर से ले आई मेरे अंगने में मछली, ये रोज रोज तमाशे की आदत हो गई है इन लोगों को। ए मदरसा बाहर निकाल, मुझे पता है तुझे सब सुनाई दे रहा है। एक्सक्यूज मी, हम मद्रासी नहीं मलयाली। What's your problem? अरे तो जो भी हो, मेरी बला से तुम्हें मना किया था ना कि हमारे घर में मांस मच्छी नहीं आएगी। ये मच्छी नहीं, ये उसका स्केलेटन है, और ये आपका घर नहीं डस्टबिन है। I don't know, आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं होगा प्रॉब्लम, कितना बदबू आ रहा है। तो इसे मत सूंघिए ना, अंदर जाइए अपने घर में। अब अपने ही घर में घूमने के लिए हमें आप लोगों से परमिशन लेना होगा है? आप लोगों को तो बस झगड़ा करने की आदत है। हमें झगड़ा करने की आदत है? अरे तुम्हारा बस चले ना तो पूरा शहर में लड़ाई लगवा दो। तुम्हारे यही लड़ाकू स्वभाव से तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया, या फिर मछली की बदबू से बर्दाश्त नहीं हुई। मेरी मॉम की पर्सनल लाइफ पर बोलने का कोई राइट नहीं है आपको। हर बार हम ही क्यों शराफत में चुप हो जाए, आज तो फैसला होकर रहेगा। कीजिए ना फैसला, हम भी तो सुने। हेलो, तू मैनर्स भूल गया क्या? हाँ बड़ों से ऐसे बात करते हैं? अरे हम तो बात ही नहीं कर रही, लेकिन सुनने की भी एक लिमिट होती है। गलत करोगे ना तो गलत सुनना भी पड़ेगा। मछली से तुम्हें बदबू नहीं आती, लेकिन हमें बहुत बदबू आती है। सॉरी मैडम,
You know, अगली बार हम वही मशीन लाएंगे जिसने मरने से पहले डिओड्रेंट लगाया है। You not, don't act too smart, okay? ये अपनी गंदी शक्ल की फ्रस्ट्रेशन ना किसी और को दिखाना हमें नहीं। मेरी शक्ल गंदी है? मेरी शक्ल गंदी है? खुद को देखा है तुमने? लड़कियों को पिंपल से डर लगता है लेकिन तुम खुद एक बहुत बड़ी पिंपल हो। How dare you? You shut up! वो गंदी बदबू ना फिर से नहीं तुमसे आती है। ये लो स्मेल करो। स्मेल करो। नो चेक ना चेक चेक चेक। आई स्मेल वेरी गुड। डोंट एक्ट स्मार्ट मी। आई एम वार्निंग यू। यू स्टे अवे फ्रॉम मी यार। नो वो हिलता है पीपल है। अरे मॉम इससे बात करते हैं लड़की। तो बात ही नहीं करनी। गेट लॉस्ट। ऑन सेट। मुझे लेट हो रहा है। अरे स्टॉप फॉलोइंग मी। हट ना। ए तू हट ना। ए तू नटकिस को बोला? हट किसको बोला तूने? अबे रुक तू नटकिस को बोला? तू नटकिस को बोला? उसे बदबू आती है। हाँ अब पता चला कि जब मैं टेनिस खेल के आता हूँ तो तुम इतनी टर्न ऑन क्यों होने लगती हो? देखो डैम नॉटी है। शट अप जोस। चार साल से हम एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम शादी करेंगे। आई मीन शादी तो दूर की बात है, अब तक हमारी फैमिलीज को हम कन्विंस भी नहीं कर पाए। हमारी फैमिलीज एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकती। यू नीड टू रिलैक्स। ओके कहा था ना मैंने दिमाग में टेंशन लेने से कॉन्स्टिपेशन होता है। यू लव मी ना? यू लव मी जोजी? जोजी हम किसे बेवकूफ बना रहे? हमारी फैमिलीज को या खुद को? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शायद हम दोनों ही गलत हो। So what are you suggesting? इससे पहले कि हम हमारी फैमिलीज का ट्रस्ट ब्रेक करें। What? I think कि हमें ना ब्रेकअप कर लेना चाहिए। Are you mad? तू चार साल की रिलेशनशिप को ऐसे खत्म कर देगी? What? You don't love me anymore? Josie, please, just stop making me feel guilty, okay? और ये बात तू भी जानता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। Just forget it. You'll just never understand. Fine. अगर तुझे लगता है कि यही सही डिसीजन है तो ठीक है, लेकिन इस तरह रोड पे ब्रेकअप करना जरूरी नहीं है ना। अनिरुद्ध और शालिनी शादी कर रहे हैं और हम दोनों ही विटनेस हैं। हमारी शादी नहीं हो रही है तो कम से कम उनकी तो करवा दे। या? कम। व्हाट? मतलब अभी से ही रास्ते अलग? शायद यही सही होगा। ओम अपवित्रुत सर्वास्थानं गतोपिवस्मेत पुंडरीकाक्षस वात्र समामंत्र सुजि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुरुषाय मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। वर वधु का गठबंधन कर। ब्रह्मा मुरारित प्रांकारी भानु शशि भूम सुदोदत गुरु शुक्र संज्ञा गत्वा सर्वे ग्रहा शांत ग्रह भवन्तु।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गण ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। पहले फेरे में वर वधू एक दूसरे को वचन देते हैं कि आज से हम दोनों के जो सुख दुख होंगे दोनों बराबर के सहभागी। दूसरे फेरे में वर वधू को वचन देता है आज से मैं हर प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा और तथा प्रेम और सम्मान दूंगा। अंतिम फेरे में वर वधू एक दूसरे से कहते हैं 7 जन्मों तक हम पति पत्नी के प्रेम और सम्मान के बीच में किसी अन्य को शामिल नहीं करेंगे। शादी करेगा मुझसे? 7 जन्मों तक झेलेगा क्या मुझे? सर्व मंगल मांगे सर्वाकाल के चरण त्रय की ओर नारायण। ओम मंगल भगवान मंगल जा, तू घर ऐसे जाएगा? अरे हाँ, सिंदूर भी तो है। ब्रेकअप से लेकर शादी के मंडप तक पहुंच गए, वो भी 4 घंटे से कम टाइम में। यू नो, अब मैं सोच रहा हूँ कि सेलिब्रेट कैसे करूँ यार। लिसन, तो तुम ना, मतलब अगर किसी ने देख लिया ना तो बैन बच जाएगी। देख ले, क्या फर्क पड़ता है, तू मेरी वाइफ है यार। मैंने पूरे रास्ते में क्या समझाया था? जब तक दीदी की शादी नहीं हो जाती है हमें किसी को कुछ नहीं बताना। यू प्रॉमिस मी यार। मैं क्या प्रॉमिस तोड़ रहा हूँ? जस्ट गिव मी वन किस। आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगा। क्विकली क्विकली कम करो, अपनी हवस को कंट्रोल करो। जोशी, ये नौटंकी हवस नहीं है, प्यार है। समझी ना, शादी की है तुझसे। चल गिव मी अ किस नाउ। अरे जी बेटा, आ गए? वो फूल वाले से बात हो गई तुम्हारी? फूल वाला, हाँ मैंने बात कर ली। और हाँ, वो अपना कल अभिनव आ रहा है तुमसे मिलने के लिए। कौन अभिनव? लो कमाल है, अभिनव को नहीं पहचानते? राधिका का पति अर्जुन, उसका छोटा भाई। अरे बहुत मजा है छत पे, मुझे एक बार डेंगू हो चुका है यार। यू नो हाउ व्हाट आई वेंट थ्रू यार। लिसन, यू जस्ट कम फास्ट, कुछ भी बहाना बना, आई डोंट केयर, कुछ भी बोल के आना यार। कौन कितने क्वेश्चन पूछते तेरे घर वाले, जस्ट कम यार। ओके, बाय बाय। रिद्धि बेटा जरा देखना, इसमें मैं कुछ भूला तो नहीं? एक मिनट। हां, क्या क्या? ये तुम लोगों के फोन फोन नहीं है बल्कि तुम्हारी सौतन है। अरे भाई, हमारे जमाने में लोग मिलने जाया करते थे और अब देखो। अरे कुछ सहेली है तो बुला लो ना उसको। वो दादाजी कहना कि तुहिना जो है वो, उसको ना मूवी देखने जाना है, इसलिए ना वो देखो वापस फोन करिए। अगर हो गई है मतलब आज जान ले लेगी मेरी। एक सेकंड ना। हाँ यार, कम फास्ट, कितना टाइम हो गया यार, प्लीज जस्ट कम फास्ट राइट नाउ। कूल, ठीक है तू नीचे आ जा, मैं आती हूँ। हाँ तो अब भी निकल, मैं निकल। एनीथिंग, चल निकल। किधर जा रहे हो? मार्केट। मार्केट? जोसी, क्या यार, टाइम क्या है यार? मेरी बात सुनो यार, मुझे ना बहुत ही वो नर्वसनेस हो रही है, वो पता नहीं कल क्या होगा। क्या होगा कल? वो जो मेरी दीदी है ना, हाँ? उनके जो हस्बैंड है, उनका कोई दूर का कजिन है, क्या नाम है उसका, अभिनव। तो वो कल मुझे देखने आ रहा है यार, और पूरी फैमिली को वो बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि मेरा रिश्ता पक्का होने वाला है।
That's very good, यार. Congratulations. हाँ? और क्या पता? अगर वो लड़का बहुत पसंद आ गया ना, तो तेरे दादाजी तुम दोनों बहनों की शादी एक ही मंडप में करवा देंगे. अरे तुम लोगों का मनी मैनेजमेंट ना, it's mind blowing यार. Too good. What? तेरी बीवी को कोई और लड़का देखने आ रहा है और तुझे अब भी मजाक सुन रहा है. I mean, all the time you're just joking, यार जोजी. देख, सुन मेरी बात सुन. तेरे लिए ये शादी ना शायद मजाक होगी, but मैंने ये शादी बहुत दिल से की है. Okay, okay, गलती हो गई. Sorry. Calm down, you need to calm down. Calm down. हाँ, माना कि मेरा जोक बहुत ही बुरा था, लेकिन मैं हमारी शादी को मजाक बिल्कुल नहीं मानता. मैं मानता. घर पे कोई नहीं है यार. जोजी, दादी मंदिर गई है, दादाजी मार्केट गए और राधिका मूवी देखने गई है, इसलिए अब तू इसकी सेवा करेगी. दिमाग खराब हो गया जोजी? अरे पति हूँ मैं यार. पति को घर पे मत. जोजी देख, दादाजी आ गए ना तो बहुत मारेंगे तुझे. अरे आप अपनी प्लीज क्विक. जल्दी बेटा. जल्दी बेटा, देखो तो हम किसको लेकर आए. अभिनव को है ना, हमारी तुम्हारी बात हुई थी ना, इसे बिठाओ. अरे बिठाओ क्यों, जाओ घर दिखाओ. और वो जो तुम पेंटिंग वेंटिंग करती हो वो दिखाओ, इसको पसंद आएगी. और हम अपना काम करके आते हैं. हेलो, कहाँ जा रहे हो? एक्सक्यूज मी, घर देखने. हेलो, रुको रुको रुको, मैंने कहा रुको. क्या 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 हुआ? कुछ नहीं हुआ. कॉकरोच, वहाँ पे ना कॉकरोच है. तो भी मार दो. अरे रुको ना, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं. मैं हूँ ना, मैं मैनेज कर लूँगी. हम ना एक काम करते हैं, वो यू नो आई पेंट लाइक रियली वेल, तो मैं ना तुम्हें मेरी पेंटिंग्स दिखाती हूँ. कम, लेट्स गो. कम, चलो चलो. अच्छा तो ये आपने बनाई है? हाँ. नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपने बनाई है? हाँ. पर दादाजी तो कह रहे थे कि आपने काफी सारी पेंटिंग्स बनाई है. सारी पेंटिंग्स क्या आपको आज ही देखनी है? अच्छा तो आप इशारों में बात करना चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है. डायरेक्ट बात करने में मजा भी नहीं आता. कॉलेज में भी हम डम शरार टीम के कैप्टन हुआ करते थे. नहीं, एक्चुअली आप क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. लेकिन इसके साथ शादी कभी नहीं करूंगी. दादाजी मुझे लगा ये फ्रेंडली हो रही थी. ओ हेलो, फ्रेंडली फ्रेंडली मैं और इसके तू वाला था. एक कान के चला के दूंगी ना दादाजी. ये ना ये घर दिखाने के नाम पे मुझे टच कर रहा था. फ्रेंडली रखो. रख. आज के बाद दोबारा इस घर में आए ना तो तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा. उल्लू का पट्टा. बड़ा आया था मेरी बीवी से शादी करने वाला. ओहो, मेरे घर में अचानक इस तरह बड़ी हिम्मत आ गई है तुम्हें. अच्छा अच्छा, अब हीरो के साथ रहोगी तो हिम्मत तो आ ही जाएगी ना. अच्छा लिसन ना, गिव मी वन किस. किचन में. बेडरूम में जाना है. टू द अनसिक ऑफ यू नाउ. क्या हमेशा किस किस किस. अच्छा ठीक है ठीक है, स्टॉप क्राइंग. एक हक तो दे, किचन में हक तो हो सकता है. प्लीज यार. ठीक है जल्दी कर. कुछ नहीं होगा, आराम से. प्लीज कम.
वैसे पकड़ लिए मॉम, चोरी करने आई थी। आई एम श्योर व्हाट यू वांट टू स्टील फ्रॉम दिस हाउस। मॉम रस्सी, आपके पास रस्सी है? टायर अप राइट नाउ। जोजी, मैंने आंटी को सब कुछ बता दिया। व्हाट? क्या? बहुत प्यार करती हो जोजी से, कुछ भी करोगी उसके लिए? फाइन, यू नो व्हाट, जोजी रियली लाइक्स फिश, चलो उसके लिए फिश करी बनाते। नो मॉम, दैट्स नॉट फेयर। रिद्धि ने आज तक फिश को हाथ भी नहीं लगाया। सो व्हाट, यू नो हमारे जमाने में लोग कहते थे प्यार के लिए कुछ भी करेगा, एंड दे एक्चुअली यूज्ड टू डू इट। नॉट कूल मॉम, रिद्धि वेजिटेरियन है। जोजी, डू इट। लिसन, तुझे कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जोजी, आई सेड आई विल डू इट। कब तक प्रोटेक्ट करोगे? लाइफ में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। यू गो, आई डू इट। लुक चाइल्ड, जब तक तुम अपने घर वालों को नहीं मनाती, हम कुछ नहीं कर सकते। You need to impress them, not me. समझी मेरी बात? ये लड़का तो पागल है, लेकिन हमें तो दिमाग से सोचना पड़ेगा ना। दादाजी, दादाजी, गुड आफ्टरनून। अरे ओ माय गॉड, इतना बैरी बैग है आपका। प्लीज मुझे दीजिए ना दादाजी, प्लीज दादाजी, प्लीज। अगर इस उम्र में इतना वजन उठाएंगे तो हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं ना। प्लीज गिव, प्लीज दादू। नहीं 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 दादू, प्लीज 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 लीव इट। उफ, इतना हैवी है। दादाजी, ये आर्थराइटिस प्रिवेंशन की किताब मेरे पास पड़ी है, मैं भेज दूंगा, ठीक है? इतना सामान मत उठाइए प्लीज। अरे आप कब आए? बड़ी बड़ी। ओके दादाजी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते बड़ी जी, ये लीजिए हवन की बाकी सामग्री। ये बेटा, सब ठीक तो है? गोयल साहब, ये क्या लेकर चले आए? जॉर्जी, ये सब क्या है? क्या हुआ दादू? क्या हुआ दादू, बड़े भोले बनते हो, जैसे तुमको तो पता ही नहीं कि क्या हुआ। अरे मांस मच्छी मेरे घर में, ये सब तुमने जानबूझ कर किया ना? सॉरी दादू, मुझे पता नहीं था कौन सा बैग कौन से हाथ में था। मैंने सोचा नहीं था कि तुम खटिया बने में इतने नीचे उतर जाओगे। अरे कर दिया ना मेरा हवन भंग, कर दिया ना मेरे घर को अपवित्र। नहीं दादू, अशुद्ध। देखो प्लीज प्लीज, आई स्वेयर दादू, मैंने जानबूझ के नहीं किया, प्लीज बिलीव मी। मेरी सब समझ में आ गया, जरूर इसकी मां ने सिखा कर भेजा होगा। बाप है नहीं और मां से परवरिश हो नहीं पा रही। बस चुप हो जाइए, बोलने से पहले सोच तो लिया कीजिए। अरे तेरी परवरिश है ना, इसीलिए ये हाल है। बाप के साथ रहता तो कुछ बन जाता था। बस बस, अब बुजुर्ग है लेकिन इसका मतलब नहीं हम इस बात का फायदा उठाएंगे। उंगली नीचे जोशी, मैं भी अपने दादा और दादी की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। बड़े आए थे मदद करने वाले, हो गई तुम्हारी मदद? और प्लीज अगली बार हमारी कोई भी मदद करने की कोशिश मत करना।
थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अच्छा तुमने बता दिया, शायद मुझसे एक नहीं दो गलतियां हुई है। आई एम श्योर। तो जाओ जाओ यहां से और प्लीज अपनी गलती जरूर सुधार। ठीक चला जाऊंगा। हो गई तुम्हारी मदद। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो जाओ जाओ यहां से और प्लीज अपनी गलती जरूर सुधार। शायद मुझसे एक नहीं दो गलतियां हुई है। मुझे हाँ इतनी दूर तक साथ चलने के बाद मुड़ के वापस आना कितना आसान है तेरे लिए। मुड़ के वापस आना बहुत ही मुश्किल है। Let me go. Let me go, Johnny. और क्या गलत, ये फैसला तू अकेले नहीं ले सकती, समझी ना? You can't decide for everyone out here. Let me go. Let me go. What do you mean, let you go? हाँ? कल ब्रेकअप, आज शादी, परसों डिवोर्स। तेरे मजा के तू समझती क्या है? गोयल पानी ले लीजिए। हमारे घर तक आ गया, ये क्या कम है? मुझे इस घर में सांस लेने में भी घिन आती है। जोशी, हे वो यू जोशी, मैं तुम्हें कितना फोन कर रही थी, कहां थे तुम? हम ये लोग यहां पे क्यों आए इतनी रात को? क्या काम था इन्हें, कुछ हुआ है? बेटा हाँ, तुम जॉर्जी के घर पर आ जाओ। रिद्धि को यहाँ पे क्यों बुलाया? मॉम आस्क प्लीज। दादाजी जोशी कम यहाँ। जोशी दादाजी कौन रिद्धि हो? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? टेल मी जोशी। नो मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट दादाजी मेरे विश्वास को तोड़ा है। क्या हुआ दादाजी? ये मिला है तुम्हारी बैग से। दादाजी वो ना मैं आपको बताने वाली थी। अच्छा किया जो तुमने नहीं बताया। इस कागज के टुकड़े को अपने पास रखे, तुम लोग समझते हो कि तुम लोग रिश्ते में जुड़ गए हो? तुम्हारी शादी हो चुकी है, अगर हुई है तो ये लो। शादी हो चुकी है दादू। अब अगर एक शब्द और भी बोला ना तो यही इनकार दूंगा। और तू
आज के बाद जब तक राधिका की शादी नहीं हो जाती तो कमरे में बंद रहेगी। जोजी, जोजी वैसे भी इस शादी को कोई नहीं मानता। तुमने मंदिर में जाकर शादी कर तो ली, but what's the point? Come on, sign the annulment papers, please. सुमित्रा, रति को बुला कर लाओ। जी। रिद्धि, रिद्धि बेटा, दरवाजा खोलो बेटा, सो गई हो क्या? क्या हुआ? अरे ये दरवाजा नहीं खोल रही। कैसे नहीं खोल रही? रिद्धि, दरवाजा खोलो। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। रिद्धि, रिद्धि, रिद्धि ओपन द डोर। एमरजेंसी में 20 मिनट तो कोई नहीं जा सकता। आप होश में तो है? आपको दिखाने दे रहा प्लीज, उसकी हालत देखिए, शी इज डाइंग, डू यू अंडरस्टैंड? प्लीज, आई अंडरस्टैंड, बट आप समझिए, आप बैठिए वहां पे। इसके पास तो वक्त ही नहीं है 20 मिनट का। आप इंतजार कीजिए। क्या इंतजार कीजिए, आपको समझ में नहीं आता क्या? हां, शी इज डाइंग आउट हियर। टू हेल विद यू, आई एम टेकिंग। अरे रुको, रुकिए, वापस, अरे वापस आइए। साहब अंदर बैठे हैं, उनके परमिशन के बगैर कोई भी अंदर नहीं जाएगा। देखिए ना, हमारी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। मत समझाइए ना, जा रहे हैं। स्टॉप इट, स्टॉप इट। क्या करे आप लोग, हॉस्पिटल को तो फिश मार्केट बना दिया आप लोगों ने। आपको बता दिया आप लोग कहाँ खड़े हो? मैं चाहता हूँ मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं कहाँ खड़ा हूँ। डॉक्टर साहब, ये जगह एक ऑफिस की तरह होगी, लेकिन इस वक्त ये जगह मेरा चर्च है। अगर आपकी और आपके हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस की वजह से मेरी दीदी को कुछ हो गया तो क्या फर्क रह जाएगा डॉक्टर साहब, फिश मार्केट में और आपके हॉस्पिटल में? तो नर्स, नर्स, मिस्टर नायर को कैबिन में शिफ्ट करो और पेशेंट को अंदर ले आओ। कैसी है रिधि अब? She is not stable. आप लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन प्लीज ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिएगा।
माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज अगर आपका बेटा नहीं होता तो हम रिद्धि को खो चुके होते। इतना बुरा भला कहा हमने आपको, फिर भी आपने सब कुछ भुला दिया। वाकई आपके संस्कार और आपकी परवरिश बहुत अच्छी है। उसे माफ कर देना बेटा। तो प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। शायद रिद्धि की इस हालत के जिम्मेदार मेरा और उसका पागलपन ही था। नहीं, इसके जिम्मेदार तुम नहीं हो, ना ही रिद्धि। हालत का कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ मैं। रिद्धि, बचपन में तेरी सारी गलतियां मैं तेरी नादानी समझ के माफ कर देता था। क्या आज मेरी इस नादानी को बुढ़ापे की नादानी समझ के माफ नहीं करती? माफ कर दे बेटा। हेमंत सूट की तो हॉस्पिटल की बेड मिली थी, तो मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा। तू मुझे, हाँ, मुझे अपनी फैमिली को छोड़ के जाने वाली थी। हु डेयर यू? रिद्धि, अपनी जान देना वीकनेस का साइन है, और हमारा प्यार ना कभी वीक था ना कभी होगा। और तू भूल गई कि मैं कितना बड़ा ढीठ हूं? तुझे स्टॉक करते हुए मैं दूसरी दुनिया तक भी चला था। सॉरी जोसी। आप लोग भी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। I'm really sorry. अरे भाई बहुत हो गई माफी तलब, अब तो मिठाइयां बांटने का वक्त आ गया है। क्यों जी? जिस मंडप में अपनी राधिका की शादी हो रही है उसी मंडप में इस रिद्धि की और जॉर्जी की। जॉर्जी? हाँ, आपका बेटा। हो, जोसी। हाँ वही, जो भी है उसकी दोबारा से शादी हो। कहा था ना मैंने, मनी मैनेजमेंट। कहते हैं अगर प्यार सच्चा हो तो चाहे जितनी भी कोशिश कर लो उसे परवान तो चढ़ना है। अब जूजी और रिद्धि ने ना सिर्फ अपना प्यार निभाया, उन्होंने अपनी फैमिलीज के बीच की नफरत भी खत्म की। नाउ इमेजिन, अगर दुनिया का हर प्यार करने वाला कपल ऐसा ही हो तो वर्ल्ड पीस तो ऐसे ही हासिल हो जाएगा। ऑन दिस ब्राइट नोट मैं आपका होस्ट मृणाल दत्त आपसे इजाजत देना चाहूंगा, और कल एक और रोमांटिक कहानी लेकर मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। टिल देन, स्टे इन लव।